नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। आज मैं हाजिर हूँ एग्जिट पोल के विश्लेषण करने के लिए और आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में प्रचंड बहुमत मिल रहा है। मोदी जी का 400 पार जो नारा लगाया था वो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही साकार होते हुए नज़र आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के गले ये उतरने को तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वहीं हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी भाजपा को सारे एग्जिट पोल में 5 के 5 सीट मिलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि ये एग्जिट पोल सिर्फ और सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं और यहाँ तक कि कांग्रेस ने ये भी कह दिया कि ये जो आंकड़े हैं ये सरकारी झुंझुना बजा रहे हैं टीवी में बैठकर। ये कांग्रेस का आरोप है। ये सरकारी एग्जिट पोल हैं, ये नरेंद्र मोदी के एग्जिट पोल हैं। जनता ने भी एक एग्जिट पोल किया और उसका आंकड़ा 295 इंडिया के फेवर में आ रहा है। मुझे लगता है जनता के एग्जिट पोल में और सरकारी एग्जिट पोल जो टीवी पर दिखाकर झुंझुना चलाया जा रहा है उसमें बहुत अंतर है। वहीं उत्तराखंड की मीडिया प्रभारी गरिमा दसोनी का कहना है कि ये एग्जिट पोल 2004 में भी फ्लॉप हुए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की साइनिंग इंडिया की लहर थी। उस समय भी उत्तराखंड में और पूरे देश में भाजपा को प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने को दिखाया था लेकिन उल्टा हुआ। आज देश के ज्यादातर एग्जिट पोल्स जो मीडिया हाउसेस के द्वारा दिखाए जा रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को कुछ जरूरत से ज्यादा ही सीट्स दिखाई जा रही हैं। इन एग्जिट पोल्स के दावों पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये दावे हैं, दावों का क्या, क्योंकि ये देश गवाह बना है कई बार जब एग्जिट पोल पूरी तरह से झूठे साबित हुए। पहला था 2004 का लोकसभा चुनाव जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया और उनको थंपिंग मेजोरिटी जो है इनके द्वारा एग्जिट पोल्स के द्वारा दी जा रही थी, लेकिन नतीजा ये निकला कि भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के मात्र 187 सीट आई और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए गठबंधन की 216 सीटें और नतीजा ये हुआ कि सरकार हमने बनाई। कांग्रेस का कहना है कि हम एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भाजपा की झोली में 5 के 5 सीट एग्जिट पोल में जाती हुई नजर आ रही है। क्या ये एग्जिट पोल नतीजों में परिवर्तन हो पाएंगे? 48 घंटे का समय और बाकी बचा है। 48 घंटों में सब साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड में 5 के 5 सीट भाजपा को मिली या फिर कांग्रेस को कुछ मिलने की उम्मीद है। वहीं स्थानीय पत्रकारों और जनता की माने उत्तराखंड की तो उनका ये कहना है कि 5 में से 1 सीट कांग्रेस की झोली में जा सकती है। उस सीट के बारे में अगर हम आकलन करें तो गणेश गोदियाल को यहाँ मजबूती उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड के लोकल पत्रकार बता रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको वो दृश्य दिखाना चाहूँगा कि जब गणेश गोदियाल अपना पर्चा दाखिल करने के लिए गए थे तो ऐतिहासिक रैली उनके साथ थी और ये भीड़ आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर आपके, तो ये प्रचंड जो भीड़ गणेश गोदियाल के साथ थी, क्या 5 के 5 सीट भाजपा को आती है तो क्या ये भीड़ सीटों में परिवर्तन या फिर वोटों में परिवर्तन नहीं हो पाया? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, माला राज्य लक्ष्मी शाह की बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बताई जा रही थी, हालांकि मोदी जी के नाम पर यहाँ 5 के 5 सीट मिलने जा रही है ये तो लगभग तय है। वहीं बात करें अल्मोड़ा में तो अल्मोड़ा में भी अमूमन यही था कि जो यहाँ के सांसद अजय टमटा हैं वो भी पूरे 5 साल नदारद थे और उनके ऊपर भी एंटी इनकम्बेंसी का यहाँ लगना तय था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मुझे लगता है यहाँ से अजय टमटा भी जीत रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल में भाजपा को 5 के 5 सीट मिलती दिखाई दे रही है लेकिन कांग्रेस और स्थानीय लोग वहीं स्थानीय पत्रकारों के गले ये बात उतर नहीं रही है। जहां इलेक्शन की घोषणा हुई तो ये लगभग तय माना जा रहा था कि 5 के 5 सीट भाजपा की झोली में जा सकती है। गणेश गोदियाल की एंट्री होने के बाद गणेश गोदियाल ने बड़े ही सफलता से चुनाव की हवा बदल दी थी और स्थानीय लोगों को ये भी कन्विंस किया था कि गणेश गोदियाल आपके बीच के हैं और जब सांसद बनेंगे तो वो आपके सुख दुख में काम आएंगे। हालांकि जनता उनसे कन्विंस भी थी और लगातार गणेश गोदियाल के जनसभाओं में आप देख पाएंगे कि भारी भीड़ उमड़ी भी थी और अनिल बलोनी जो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं केंद्र में, तो वहीं उनकी जो पकड़ थी पौड़ी में उतनी नहीं मानी जा रही थी कि जितनी अनिल बलोनी के बजाय गणेश गोदियाल की। यहाँ के लोग कह रहे थे कि उनकी हवा ज़्यादा है।
तो ऐसे में गणेश गोदियाल यहाँ से हार जाते हैं, अनिल बलोनी जीत जाते हैं, तो इससे ये तय हो जाता है कि उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड में पांचों सांसदों के नाम पर और पांचों प्रत्याशियों के नाम पर वोट नहीं किया था और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर उत्तराखंड की जनता ने वोट किया था, ये साफ हो जाता है। अब इंतजार करना है सिर्फ 48 घंटे तक, 48 घंटों पर नतीजे आ जाएंगे और ये स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तराखंड में कौन सांसद बन रहा है। हालांकि अभी भी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और उत्तराखंड में कम से कम 2 सीट कांग्रेस लाने में सक्षम होगी। आपका क्या कहना है और इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड से क्या 5 के 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी 1 सीट भी लेने पर सक्षम हो पाएगी? कमेंट करके ज़रूर भेजें और साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, नमस्कार। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।